एक बड़ी खबर, दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने जीएसटी चोरी से जुड़ा नोटिस वापस ले लिया है। कंपनी पर 32,403 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। डीजीजीआई ने इंफोसिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। टैक्स चोरी का यह मामला 2017 से 2021-22 तक का है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपनी विदेशी शाखाओं से सेवाएं प्राप्त की लेकिन टैक्स नहीं दिया। हालांकि कंपनी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसे खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता। एक बार फिर सबको बता दें, दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक सरकार ने अब जीएसटी चोरी से जुड़ा नोटिस वापस ले लिया है। एक बड़ी खबर, दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने जीएसटी चोरी से जुड़ा नोटिस वापस ले लिया है। कंपनी पर 32,403 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी का आरोप लगा था। डीजीजीआई ने इंफोसिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। टैक्स चोरी का यह मामला 2017 से 2021-22 तक का है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपनी विदेशी शाखाओं से सेवाएं प्राप्त की लेकिन टैक्स नहीं दिया। हालांकि कंपनी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसे खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता। एक बार फिर सबको बता दें, दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक सरकार ने अब जीएसटी चोरी से जुड़ा नोटिस वापस ले लिया है।